सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जितने भी टिकटॉक स्टार था, जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ है, जोश ऐप पे आ चुका है। तो आप लोगों को मन में एक सवाल जरूर होगा, जोश ऐप को प्रमोट करने के लिए जितने भी टिकटॉक स्टार है, कितने करोड़ रुपया लिए होंगे? क्योंकि आप लोगों को जानते भी है, इंडिया में टिकटॉक को टक्कर देने के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशन आए और सारे एप्लीकेशन पॉपुलर भी हुआ, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं किया, लेकिन जोश ऐप को भी क्यों प्रमोट किया, तो इसकी सारी सच्चाई बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कुछ टाइम पहले ही इंडिया में टिकटॉक के साथ साथ 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया डिजिटल स्ट्राइक की वजह से, जिसमें एक टिकटॉक एप्लीकेशन भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन था। और टिकटॉक बैन होने के बाद ये एप्लीकेशन और भी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। लेकिन जितने भी टिकटॉक स्टार था या फिर जितने भी टिकटॉकर थे जो शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, टिकटॉक की तरफ बहुत सारे एप्लीकेशन आए जिन पे अलग अलग एप्लीकेशन पे लोग चले गए। लेकिन कुछ टिकटॉक स्टार ऐसे हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया था और न ही वीडियो अपलोड कर रहे थे, और फाइनली जोश ऐप पे आ चुका है। तो आप लोग यही जानना चाह रहे थे, लेकिन जोश ऐप को प्रमोट करने के लिए मिस्टर फैजू, समीक्षा सूद और काफ़ी सारे टिकटॉक स्टार कितने पैसे लिए होंगे या फिर नहीं लिए होंगे? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों को क्या लगता है, इन लोगों ने प्रमोट करने के लिए पैसे लिए होंगे या फिर नहीं लिए होंगे? मिस्टर फैदू तो ज़रूर लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी लगाया था स्वाइप अप करने के लिए, और एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया था। उस वीडियो पे भी मिलियंस में व्यूज आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर पैसे लिए होंगे। लेकिन अभी तक कितने पैसे लिए हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। और साथ में आप लोगों को ये मैं बता देता हूँ, आप लोगों को जोश ऐप यूज करना चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म खोज ढूंढ रहे थे। तो आप लोगों को पता होगा, इंडिया में कई सारे एप्लीकेशन आ चुका है, जैसे रोबोसो ऐप हो गया, एमएक्स टकाटक हो गया, इस तरह से कई सारे एप्लीकेशन आ चुका है, कहीं ना कहीं आप लोग वीडियो बना रहे होंगे। तो आप लोगों को मैंने एक सवाल जरूर होगा कि सारे टिकटॉक स्टार जोश ऐप पे आ चुका है तो हम भी जोश ऐप पे चले जाते हैं, तो क्या आप लोगों को जोश ऐप पे वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, या फिर आप लोग कौन से एप्लीकेशन यूज करते हैं, कमेंट जरूर बताना। देखो, यदि आप लोग किसी भी टिकटॉक स्टार के देखकर आ रहे जोश ऐप पे और वीडियो बनाना चाह रहे, तो इससे आप लोग को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग टिकटॉक पे या एमएक्स टकाटक पे या फिर रोबोसो पे भी शॉर्ट वीडियो बना रहे होंगे, तो वीडियो शूट करना, एडिट करना आपको सेम प्रोसेस होता है, तो वही वीडियो आप जोश ऐप पे भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, जोश ऐप पे वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, उनके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंस व्यूज आ रहे हैं, यानी जोश ऐप जो है काफ़ी तेज़ी से वीडियो को प्रमोट कर रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आप लोग जोश एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।